उत्तराखंड चमोली के जंगलों में शदीद आतिशबाजी की खबर है। कर्णप्रयाग के जंगल धू धू कर जल रहे हैं। कई हेक्टेयर में जंगलात जलकर खाक हो चुके हैं। अब तक आग लगने के 123 वाकयात पेश आ चुके हैं। 286 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और अमले आग बुझाने में जुटे हुए हैं। वन जीव ग्रामीण क्षेत्रों की ओर से आने लगे जंगल में आग की वजह से चारों ओर धुआं फैला हुआ है। लोगों को परेशानी हो रही है, जिसके सबब आंखों में जलन, सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। सेनू गांव में दिन दहाड़े गुलदार देखे जाने से भी लोगों में डर का माहौल है। तो जंगलों में आग आप देख सकते हैं किस तरह से शदीद होती हुई नजर आ रही है, और ऐसे में अलग अलग जगहों से इस तरह के वाकयात देखने को मिल रहे हैं। और उत्तराखंड के चमोली से ये तस्वीर आप देख रहे हैं। इसके अलावा उत्तराखंड के कई इलाकों में, यहाँ तक कि नैनीताल में भी आग के वाकयात पेश आए थे, जहाँ पर खास करके जो पाइन ट्रीज वाले जंगल हैं उनमें शदीद आतिशजदगी की खबर सामने आ रही है। तो उत्तराखंड के चमोली में जंगल में आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से खौफनाक मंजर नजर आ रहा है। आसमान में चारों तरफ धुएं का गुबार और आग की लपटें नजर आ रही हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं, आग बुझाने की कोशिश में लगातार लगी हुई हैं। 286 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां 123 जगहों पर, यानी अब तक आग लगने के 123 वाकयात पेश आ चुके हैं। तो जंगल में आग की वजह से चारों ओर धुआं फैला हुआ है, और जिसको लेकर आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत भी हो रही है। और इसके अलावा सेनू गांव में दिन दहाड़े गुलदार देखे जाने से लोगों में डर का माहौल भी है। तो ऐसे में कई जगह पर जंगलों में आग की खबरें सामने आ रही हैं, जिसको लेकर तशवीश का इजहार भी किया जा रहा है। फिक्रमंद लोग नजर आ रहे हैं, क्योंकि जंगलों की आग लगातार फैलती हुई नजर आ रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कितने बड़े एरिया में ये आग लगी हुई है, और ऐसे में इसे बुझा पाना भी एक बड़ा मुश्किल टास्क है। हालांकि हेलीकॉप्टर्स की मदद भी ली जा रही है। इससे पहले नैनीताल में जहाँ आग लगी थी, वहाँ पर हेलीकॉप्टर की मदद से भीमताल से पानी लेकर आग को बुझाया गया था। तो उत्तराखंड के चमोली से खबर है, जहां पर उत्तराखंड चमोली के जंगलों में शदीद आतिशबाजी की खबर है। कर्णप्रयाग में जंगल धू धू करके जल रहे हैं। कई हेक्टेयर में जंगलात जलकर खाक हो चुके हैं, और अब तक आग लगने के 123 वाकयात पेश आ चुके हैं। वहीं नैनीताल से भी बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर नैनीताल के जंगलों में भी आग लगने के मामले लगातार देखे जा रहे हैं। एसडीआरएफ एनडीआरएफ फिलहाल जिले में मुस्तैद रहेगी। अलग अलग जगहों पर एसडीआरएफ एनडीआरएफ की तैनाती की गई है। हालात कंट्रोल में है। महकमा जंगलात को इजाफी मैनपावर दी गई है, ताकि क्विक रिस्पॉन्स टीमें लगातार काम करती रहें। तो मैनपावर यहाँ पर बढ़ाई गई है, और हर जाविये से जंगलों को लेकर निगरानी की जा रही है। आग लगने के वाकयात को जैसे ही नमोदार हो शुरू हो, तभी उन्हें रोका जा सके। तो गर्मी, धूप, तपिश और पाइन ट्रीज में लग रही आगों को लेकर तशवीश का इजहार किया जा रहा है, और ऐसे कई वाकयात पेश आ रहे हैं। उत्तराखंड में तकरीबन 123 वाकयात पेश आ चुके हैं। तो वहीं नैनीताल की आग का भी जिक्र किया था। नैनीताल के जंगलों में भी आग के मामले देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पर एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें मुस्तैद की गई हैं, तैनात की गई हैं। हालात फिलहाल कंट्रोल में है, डीएम ने बताया। बहरहाल महकमा जंगलात को इजाफी मैनपावर दी गई है, ताकि वक्तन फवक्तन महकमा जंगलात के लोगों की तरफ से दौरे किए जा सकें जंगलों के, और आग के वाकयात को शुरुआत में ही रोका जा सके, इसको फैलने ना दिया जाए। और इसी के चलते क्विक रेस्पॉन्स टीम्स भी लगातार काम कर रही हैं, और आग लगते ही इसको कंट्रोल किया जा सके, ताकि बड़े इलाके में ये ना फैले। एसडीआरएफ की कुछ टीमें, एनडीआरएफ की टीम और अन्य जो भी हमने अतिरिक्त संसाधन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इसमें दिए हैं, उनको अभी जनपद में ही इस्तेमाल अलग अलग आवश्यकता के अनुसार हम लोग कर रहे हैं। अदर एजेंसीज जो हैं, गवर्नमेंट के जो डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं, वो भी अपने अपने स्तर पर इसमें हेल्प कर रहे हैं।